नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास के सबसे डेडलीस्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसे साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉटसन और उनकी ग्रेजुएट स्टूडेंट रोजली रेनर ने एक 9 महीने के बच्चे पर किया था। वॉटसन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करना चाहते थे कि क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी इंसान के अंदर डर जैसे इमोशंस को बनाया या मिटाया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक नर्स के 9 महीने के बच्चे को $1 देकर उधार लिया। आज के टाइम पर वो $1 $13 के आसपास होंगे। बच्चे को एल्बर्ट नाम दिया गया। एल्बर्ट एक नॉर्मल बच्चा था और क्योंकि वो एक बच्चा था इसलिए जानवरों से उतना नहीं डरता था। नाउ क्योंकि वॉटसन को बच्चे के इमोशंस की बेसलाइन जाननी थी, तो वॉटसन ने उसके सामने एक सफेद चूहा रखा, जिसे देखकर एल्बर्ट उससे खेलने लगा। तो सफेद चूहे को देखकर बिना डरे नॉर्मली बिहेव करना, ये होगी एल्बर्ट के इमोशनल रेस्पॉन्स की बेसलाइन, जिसे वॉटसन को चेंज करना था। जिसके बाद वॉटसन ने फिर से उसके सामने चूहे को रखा और जैसे ही बच्चा उस चूहे को देखकर उससे खेलने की कोशिश करता था, तो वॉटसन एक लोहे की रॉड लेकर उस पर हथौड़ा मारकर जोर से आवाज करते थे, जिसकी आवाज सुनकर बच्चा जोर से रोने लगता था। तो वॉटसन ने ऐसा ही कई बार किया और कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि बिना किसी शोर के भी एल्बर्ट जब उस चूहे को देखता था तो वो उससे बहुत डर जाता था। इनफैक्ट वो इतना डर गया था कि जब भी वो किसी जानवर को देखता था तो बहुत जोर जोर से रोने लगता था। तो यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज करके मिस्टर वॉटसन ने प्रूव कर दिया कि अगर किसी बिहेवियर के न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि चूहा और एवर्सिव स्टिमुलस जैसे कि हथौड़े की आवाज, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आप किसी के ब्रेन में कोड कर दो, तो आप डर जैसे कई और भी इमोशंस को अपने सब्जेक्ट के ब्रेन में ट्रिगर कर सकते हैं। सिमिलर चीज दिखाई गई है फिल्म भूल भुलैया की स्टोरी में, जहां साइकोलॉजिस्ट उस लड़की के डर को खत्म करने के लिए उसके सामने उसके एवर्सिव स्टिमुलस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम सभी के दिमाग में अपने डर और परवरिश को लेकर सवाल आ सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को बड़े होकर भी अंधेरे से डर लगता है। क्या पता किसी ने अंधेरे में जाने से रोकने के लिए उस बच्चे के न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी डरावनी चीज से एसोसिएट कर दिया हो। तो क्या आपका कोई ऐसा डर है जो तुम्हें लगता है कि बनाया गया है? और हां तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।